नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बायस्कोप पे आप सबों का स्वागत है। महाअष्टमी के दिन राजधानी रांची के साथ साथ पूरे देश भर में, खासकर बिहार में और रांची में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। लेकिन बारिश जो शुरू हुई है, झारखंड के कई जिलों में ये बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि बंगाल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से दबाव पैदा हुआ और उसी वजह से बारिश हो रही है। तो बारिश ने कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा की रौनक थोड़ी फीकी कर दी है और जो भव्य सजे सजाए पंडाल थे वहां लोगों के आने का सिलसिला जरा थम सा गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि आखिर क्या माहौल है वहां पंडालों के आसपास। शक नहीं है, कोरोना के दो सालों के बाद इस बार दुर्गा पूजा को भव्य तरीके से मनाने की पूरी तैयारी थी। तमाम पूजा समिति हो या जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन आयन वक्त में बारिश ने खलल डाली है। लिहाजा जो रौनक, जो खुशबू हम लोग सूंघ पाते थे पूजा पंडालों में, जो रौनक और जो हलचल देख पाते थे, उसमें कमी महसूस की गई है। इस वक्त हम मौजूद है रांची के OCC दुर्गा पूजा पंडाल की। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह पंडाल के बाहर जो खामोशी है, जो सन्नाटा है, उसे देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से जो बारिश की, जो लगातार बारिश हो रही है, करीबन 3 से 4 घंटे से ये बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूजा पंडाल का जो बाहर है बिल्कुल आपको खुला हुआ, अब बिल्कुल खाली नजर आएगा। लेकिन चूंकि जो दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंच चुके हैं जो लोग, जो भक्त पहुंच चुके हैं, जो दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, वो तमाम लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है। उनको निकल पाने में बाहर दुश्वारी हो रही है, लेकिन बारिश जैसे ही थमती है लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिएगा कि जो लोग हैं, बारिश जैसे ही छूटती है वो इक्का दुक्का की शक्ल में वो बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन बारिश की वजह से जो कतारबद्ध होकर लोग पहुंचते थे, जो बड़ी संख्या में तादाद में पहुंचते थे, वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जमीन की हालत अब देखकर अंदाजा आपको लग जाएगा किस तरह से दुश्वारी हो रही है आने जाने में। यही वजह है कि पूजा पंडालों की जो रौनक होती थी वो कम नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी बारिश ने कहीं न कहीं दुर्गा पूजा की रौनक को फीका कर दिया है और लगता है इसका मलाल जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरों पर भी दिख रहा होगा, क्योंकि वो अब उस कदर घूम नहीं पाएंगे जैसा कि वो खुले मौसम में, अगर मौसम साफ रहता तो वो घूम पाते, दुर्गा पूजा का आनंद ले पाते। बिल्कुल, चूंकि कई श्रद्धालु हैं उनसे बात हुई है। इस वक्त हमारे साथ OCC पूजा पंडाल के जो आयोजन करता है उनमें से एक सदस्य मौजूद है। ये बताइए, जो तैयारी आप लोगों ने की थी, ये बारिश हम लोग इतना सोच के रखे थे कि हम लोग को क्या करना नहीं करना है, मगर क्या बोले, इंद्र भगवान शायद हम लोग नाराज है। हम लोग चाहते हैं माँ का जो आगमन हुआ था 2 साल कोरोना के बाद, तीसरा साल जो हम लोग आया था, हम लोग बहुत भव्य रूप से आयोजन किए थे। रांची शहर पूरा सज्जा के साथ, पूरा सजा के हम लोग बहुत अच्छा सोचे थे, सब जितने माँ भवानी का भक्त है सभी आएंगे और सभी का हम लोग स्वागत करेंगे। मगर आप नजारा देख रहे हो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देख के बहुत ज्यादा खराब लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उनका जो मोटिव रहता है कि भाई त्योहार है, फेस्टिवल है, कपड़ा पहनना है, घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, झूला झूलना है, ये खरीदना है, वो करना है, ये खाना वो पीना, सारा कुछ पानी फिर गया। हम लोग का जो आयोजन था, इतना बड़ा आयोजन किए, इतना अच्छा साज सज्जा किए, इतना हम लोग तैयारी के 4 महीने 5 महीने तैयारी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूजा पंडालों का आलम आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग पूजा पंडालों में सन्नाटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश पिछले 2-3 घंटों से लगातार हो रही है और इस वजह से श्रद्धालु अपने अपने घरों में कैद से हो गए हैं। वो निकल नहीं पा रहे हैं अपने अपने घरों से बाहर ताकि इन पूजा पंडालों में घूम सकें और उन पंडालों के दर्शन कर सकें, दुर्गा माँ की प्रतिमाओं के दर्शन कर सकें।